हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त गोलू और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग पिजन टिप्स। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक ये होने वाला है कि कबूतर के पर में पिजन रिंग कैसे डाले। जो रबड़ रिंग आती है दोस्तों, जो मार्केट में मिलती है कबूतर मार्केट में, तो दोस्तों मैं अपने नागपुर शहर के लकड़गंज मार्केट में गया था कबूतर के, तो वहाँ से मैंने कुछ पिजन रिंग लेके आया। तो सोचा आपको बता दूँ कैसे डालना पड़ता है कबूतर के पर में और कितने प्रकार के लेके आया मैंने, वो भी आपको बताता हूँ। तो किसी रीज़न की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया दोस्तों, कि जब नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगा बाज़ार में आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि हमारे शहर का बाज़ार कैसे भरता है। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ रिंग लेके आया हूँ, एकदम सॉफ्ट रिंग है दोस्तों ये देखिए। तो इनको मैं अपने कबूतर के पैर में डालने वाला था। आपको काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए आप। तो एक एक करके हम हमारे सारे कबूतर के पर में डालते हैं, जितने कबूतर के पर में आएंगे ये उतने कबूतर के पर में हम डालते हैं। तो इसमें दो प्रकार के आती है, देखिए एक स्टार वाली है, फोकस हो जाए, ये स्टार वाली है दोस्तों, और ये सादी वाली है। स्टार वाली दोस्तों उनके पास एक पैर बचा था तो मैंने एक पैर लेके आया, और बाकी ये सादी वाली ऐसी वाली है। तो अभी हमें कबूतर के पर में आपको डाल के दिखाता और आप देखना कितना अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम इससे शुरू करते हैं, स्टार वाली से। तो हम इस कबूतर के पर में डालने वाले हैं, तो अभी मेरे कबूतर भूखे हैं तो मैं इनको सबको दाने पे पकड़ूंगा, क्योंकि मेरे कबूतर ऐसे पकड़ने जाएंगे तो सारे कबूतर छतरी पर बढ़ जाते। ये मैंने दाना ले लिया हूँ, अभी देखिए दोस्तों कबूतर कैसे एक एक करके नीचे आते। ले एक पकड़ लिए दोस्तों, और इसको पैर में अभी डाल के आपको बताता। वैसे अगर पकड़ ले जाएंगे तो कबूतर हाथ में नहीं आएंगे दोस्तों, ऊपर चल जाएंगे। ये देखिए ये रबड़ रिंग दोस्तों काफ़ी सॉफ्ट है और कबूतर के पैर में काफ़ी अच्छे तरीके से जाती है ये, और किसी प्रकार की कबूतर को कोई प्रॉब्लम नहीं आती इससे। लाइट वेट है, देखिए दोस्तों कितनी, मतलब किसी भी साइज के पैर में आराम से चल जाएंगी ये। आप भी देखिए कैसा लगा आपको। तो इसको मैं आपको छोड़ के दिखाता हूँ अभी, ठीक है। पूरी जान लगा रहा था दोस्तों हाथ से निकलने के लिए कबूतर, और देखिए आप हरे कबूतर के बारे में नीले छल्ले। अभी ऐसा इनको थोड़ा इनकम्फर्टेबल लगेगा, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसको मैं आपको पैरा पे बैठा के दिखाता हूँ, देखिए आप चाहे तो दो दो भी डाल सकते हैं, मगर मैं सिंगल सिंगल डाल रहा हूँ। चलिए अभी बाकी कबूतर के पर में, दूसरे कबूतर के पर में डालने वाला हूँ। ले ये देखिए दूसरा कबूतर ही पकड़ लिया मैंने। अभी इसके पर में हम ब्लैक वाली डालने वाले, क्योंकि वाइट कबूतर के पर में ब्लैक रिंग बड़ी अच्छी दिखती है। तो दोस्तों इसके पर में हम थोड़े अलग तरीके से डालने वाले, इसमें हम तीन तीन डालने वाले ऐसी इस तरीके से। सबसे पहले ब्लैक, फिर ऑरेंज, फिर ब्लैक। अगर आपके साथ कोई बंदा है तो आप बड़े आसानी से इसको डाल सकते हैं, अगर आप सिंगल भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप मैं किस तरीके से डाल रहा हूँ उसके बारे में, और ये चूड़ी काफ़ी अच्छी लगती है पिजन साउंड वाली रिंग से, अच्छी तो मुझे ये लगती है, क्योंकि ये एकदम लाइट वेट रहती है और कबूतर को एक दिन में ही सेट हो जाती है पैर में। तो अभी मैं एक तरफ का डाल दिया, दूसरे पर का आपको डाल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों दूसरे पर में मैं डाल चुका हूँ, और देखिए आपको कैसी लग रही है, इसको मैं आपको छोड़ के दिखाता हूँ, ठीक है। काफ़ी सुंदर लगिंग आ रही है ये, और ये कबूतर गुटकता बहुत ज़्यादा है छत पे, तो अभी थोड़ा इनकम्फर्टेबल लगेगा इसको, मगर बाद में एकदम कम्फर्टेबल हो जाएगा कबूतर। और देखिए जो थोड़ी देर पहले मैंने नीले हरे कबूतर के पर में डाला नीले छल्ले, वो कबूतर देखिए कितने कम्फर्टेबल तरीके से भी रह रहा है। और दोस्तों इससे कई दिनों पहले मैंने इसके पर में डाला था गुलाबी कलर के, ये देखिए आप, ये मेरा सीना कबूतर है। तो मैं अभी बाकी कबूतर के पर में भी आपको डाल के दिखा दूँ,
तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको वीडियो में काफ़ी मज़ा आने। तो दोस्तों हम हमारे अगले कबूतर की तरफ बढ़ते हैं, तो उसके पर में हम पीले कलर के छल्ले डालने वाले। ठीक है, ये कबूतर की मैं आपको थोड़ी जानकारी देने वाला हूँ, ये कबूतर कहाँ से आया और कैसे आया। पहले आप कबूतर देख लीजिए, ये कबूतर है जो आज लेके आया मनी। देखिए ये कबूतर को मैं आपको पकड़ के इसका शौक भी करा देता। देखिए पहले इसकी आँख का शौक करिए, लाल जर्रात आँख है इस कबूतर की, काली चोंच में कबूतर है और हरा कबूतर है। फोकस होना। पर का शौक करिए, काफ़ी बड़े पल्लों का कबूतर है ये। इसके पंजे देखिए आप, हाथ में रुकी नहीं रहा है दोस्तों कबूतर ये। देखिए पंजे दोस्तों, एकदम बिग साइज कबूतर है, एकदम बड़ा कबूतर है ये। और देखिए कितना बड़ा कबूतर है। तो ये कबूतर मैंने एक कबूतर पकड़ा था जिसकी वीडियो अभी YouTube पे चली है दोस्तों, एकदम लेटेस्ट वीडियो दोस्तों, जो मैंने अभी कबूतर हाल ही में पकड़ा था। तो वो कबूतर देखे मैंने दोस्तों, ये कबूतर लेके आया हूँ। वो दोस्तों भाई आए थे घर पे, उनने कहा था कि कबूतर भाई मेरा है, तो वो कबूतर उनको मैंने दिया और वो कबूतर सही में उनका था। तो मैंने उनको कबूतर देके ये कबूतर उनके पास से लेके आया। आप बताइए आपको कबूतर कैसा लगा। दोस्तों वो कबूतर पकड़ने की वीडियो भी YouTube पे डली है, आप वो वीडियो भी देख लेना। तो इसके पैर में हम पीले कलर के छल्ले डालने वाले। काफी बड़े पंजे का कबूतर है ये, हाथ में रुकी नहीं रहा है। देखिए देखिए इसके पैर में पिजन रिंग चली गई दोस्तों। थोड़ा बड़ा कबूतर है ये, देखिए पूरी जान लगा रहे, मगर ये चली गई इसकी पैर में पिजन रिंग। आप भी देखिए, ठीक है मैं इसको छोड़ के दिखाता हूँ आपको। तो ऐसी कर दे रहा हूँ, कितना बड़ा कबूतर है देख सकते हैं आप ये, और काफी अच्छा कबूतर है ये, नर कबूतर है। कदकाठी देखिए इसकी आप, और ये मेरा गुलाब सिरा कबूतर है। इसके पैर में ऑलरेडी पिजन रिंग डली है साउंड वाली, तो मैं इसके पैर में डालूंगा और मैं बाकी कबूतर के पैर में आपको डाल के दिखाता हूँ। खराब बट्टा, तो ये नेक्स्ट कबूतर है, इसके पैर में डाल के दिखाता आपको। दोस्तों ये कबूतर देखिए अभी गुटकना भी चालू कर दिया इसने। अभी थोड़ी देर में कंफर्टेबल भी हो जाएंगे। और ये कबूतर देखिए आप, हरा कबूतर, और खैरा कबूतर भी देखिए आप। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कबूतर से रिलेटेड आपको कोई परेशानी होगी तो मुझे कमेंट करें। और दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो मुझे आप आकर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।